Am I audible yes, to yes ma'am. Okay, fine. So let's just start with this. First is Python character sets. So what basically a character set? So hum ye bol sakte hain that character set is a valid characters that a language can recognize. एक लैंग्वेज में जो जो चीजें वो रिकॉग्नाइज कर सकता है दैट इज नोन एज कैरेक्टर सेट. तो बेसिकली कैरेक्टर सेट क्या हो गया, कोई भी नंबर, डिजिट, सिंबल, लेटर, एनीथिंग. तो हमारी जो पाइथन है, द पाइथन सपोर्ट्स यूनिकोड एनकोडिंग स्टैंडर्ड्स. वी हैव स्टडीड इन इन योर प्रीवियस चैप्टर्स आल्सो. इनफैक्ट सीबीएसई ने जो रिलीज किया है न्यू रिवाइज्ड सिलेबस, उसमें आपका यूनिकोड वाला चैप्टर डिडक्ट हो गया है. बट क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है तो वी विल नॉट डिडक्ट इट, हम उसको एग्जाम में कंसिडर करेंगे. पढ़ा नहीं होता तो फिर कोई बात ही नहीं थी. अब जब ऑलरेडी पढ़ लिया तो फिर हमारी डिडक्शन हुआ ही नहीं. ओके, एंड सम स्पेशल सिंबल्स लाइक हियर इट इज गिवन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एस्ट्रिक एस्ट्रिक वाइट स्पेसेस एंड अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो. ओके, so the first term I can say is token. Just like in your English, अगर मैं example दूँ तो हम सबसे पहली जो definition पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं भाषा या फिर वो grammar है ना. grammar क्या होती है, भाषा. भाषा हम सबसे first हम पढ़ते हैं शायद. so in the same way the first one is token. token means the smallest individual unit of a program is known as a token or a lexical unit. क्या होता है, जितने भी हम चीजें उसमें यूज करते हैं पाइथन में, ऑल दीज थिंग्स आर नोन एज टोकन्स. सभी को हम टोकन्स बोलते हैं, चाहे वो कीवर्ड हो, आइडेंटिफायर हो, लिटरल्स हो, ऑपरेटर्स हो या पंचुएटर्स हो. एनीथिंग वॉट एवर वी आर यूजिंग इन पाइथन, ऑल द थिंग्स आर नोन एज टोकन्स. फाइन, जस्ट गिव मी वन सेकेंड. लास्ट टाइम भी मैंने एग्जाम्पल दिया था. सपोज आई एम राइटिंग एग्जाम्पल नहीं है शायद यहाँ पर. सपोज आई एम राइटिंग हियर सो इन दिस क्वेश्चन इन दिस सेंटेंस व्हाट वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ टोकन्स. फर्स्ट इज दिस अल्फाबेट्स, ओके. सेकेंड टोकन इज दिस एक्सक्लेमेटरी साइन एंड फुल स्टॉप, यानी कि पंचुएटर्स. तो टू टाइप्स ऑफ टोकन्स वी आर यूजिंग हियर. फर्स्ट इज आइडेंटिफायर्स और वी कैन से अल्फाबेट्स, एंड सेकेंड वन इज पंचुएटर्स. तो वॉट एवर वी आर राइटिंग इन की पाइथन आर नोन एज टोकन्स. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. तो टोकन्स कौन कौन से होते हैं, फाइव टोकन are there basically keywords, identifiers, literals, operators and punctuators. So let's start with the first one, that is keyword. A keyword is a word having special meaning reserved by the programming language. ये वो words होते हैं जो Python already reserved करके रखता है for its purpose, and हर एक का एक अलग अलग meaning है, सबका एक different meaning होता है. They must not be used as a normal identifier's name. अभी identifier जब हम पढ़ेंगे then I'll tell you क्या होता है. इनको आप एज आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते हो, यू हैव टू यूज इट एज इट इज. सम ऑफ द कीवर्ड्स आर हियर. सी फर्स्ट थ्री कीवर्ड्स, दिस वन, दीज थ्री आर इन कैपिटल लेटर्स ओनली. दीज आर द एक्सेप्शंस, फॉल्स, ट्रू एंड नन. इन द प्रीवियस क्लास आई वाज मिस्ड फॉल्स, नन. These three are the keywords which are in exception, which are always started with upper case. बाकी rest जितने भी हैं सब small lower case से हैं. Like class and as, assert, break, else. These are the keywords which you will study as the program. You will do the programming part. Okay, तो धीरे-धीरे हम सारे ये सीखेंगे कि क्या-क्या, कौन-कौन सा keyword होता है, किस काम आता है, right? तो बेसिकली पाइथन या कोई भी जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो सारी इंग्लिश सिंटेक्सिस पर ही होती है. तो अगर इफ आई से लाइक हियर इज इफ, ओके, व्हाट इज इफ. इफ मींस होता है या, है ना, या मतलब अगर ऐसा हुआ, कंडीशन बेसिकली.
So whenever we want to use condition in a program, so we use if keyword, ठीक है? Like del, del means delete, ठीक है? If or elif, they are always used in pairs, ठीक है? ये या फिर ये तो गया ये, अगर condition यहाँ पर हुई, नहीं हुई तो ये वाली condition, ठीक है? Else भी हम इसी में use करते हैं. So slowly and gradually we will learn all the keywords simultaneously. Next we have identifiers. So what are identifiers? Identifiers are the basic building blocks of a program and are used, just a second, and are used as a general terminology for the names given to different parts of a program like variables, objects, classes, lists, dictionaries, etc. ये सब चीजें Python में हम लोग use करते हैं. Identifier क्या होता है? If I say कि you are the students of class 11th and I want to call Muskan here, तो मैं क्या बोलूँगी? Muskan come here. तो I have said a name क्योंकि वो उसका नाम है और उसको उसकी पहचान कैसे है कि Muskan के through. In the same way, whenever we make something in Python, तो we need identifiers. जैसे हम मैथ्स में भी करते हैं, हमने बोला let the length of a rectangle be x, let the length breadth of a rectangle be y, and so on. So in the same way, we give names to variables, objects in classes, functions, lists, dictionaries, and so on. What are the rules for creating a identifier? Let's just give me an example to you. Just a second. So I think my screen is visible to all. Yes, ma'am. Here is my Python shell. Suppose I want कि भाई मेरे को एक स्टोर कराना है नेम, तो what I will do, मैंने छोटा सा वेरिएबल बनाया a is equals to okay, so basically this is known as what? This is known as a identifier. कैसे? ये जो प्राची जो ये वर्ड है, जो स्ट्रिंग है, ये कहाँ स्टोर रखी है? A के अंदर. ठीक है, now we will not this call this as word. अभी भूल जाओ कि it is an alphabet, it is a string. And every time we use this word only, that it is a string. जो भी हम double quotes के अंदर लिखते हैं, that thing is known as a string. S-T-R-I-N-G. Collection of characters is known as a string. Okay, so this string is stored in this variable known as a. ठीक है, मैंने इसको a नाम दिया है. तो हम क्या कर सकते हैं? There are some rules for writing an identifier. First of all, it is a long sequence of letters and digits. आप identifier में letters भी ले सकते हो, digits भी ले सकते हो. जरा मैं So here I am. Yes, आप क्या कर सकते हो उसमें? Suppose मैंने लेना है is equals to अभी भी क्या हुआ? कोई error नहीं हुई. Means we can use alphanumeric identifiers. मैंने क्या किया? A123 ले लिया इस बारी. Okay. The first character must be a letter. Okay. फर्स्ट कैरेक्टर जो होना चाहिए वो लेटर ही होना चाहिए. नाउ जस्ट हैव अ लुक हियर. इफ आई एम राइटिंग ओके हियर इट इज, सो क्या होगा? इट विल गिव एन एरर. व्हाई?
बिकॉज ये रूल है, जब भी हम आइडेंटिफायर्स या आइडेंटिफायर्स बनाते हैं तो द फर्स्ट लेटर शुड बी अ अल्फाबेट, नॉट अ नंबर. नंबर नहीं होना चाहिए, हमेशा लेटर ही होना चाहिए. अच्छा पाइथन शेल का सॉफ्टवेयर दिख तो रहा है सबको? ऑल आर एबल टू सी माय पाइथन शेल? यस मैम. In your PC, okay, I'll show you how you will search. You will click on search and write down Python. Okay, and in this you will open IDLE Python. This IDLE. Okay. I think now you will got it, Naman. IDLE search karna hota hai. Fine. It is saying that the underscore is count as a letter. It means hum apna Python program underscore ke variables se bana sakte hain. Like I am taking this and maine le liya ek variable name is equals to and here it is. It is taken. Okay. So the rule says that we cannot start any variable name or identifier name with a number. ओके हम नंबर्स के थ्रू नहीं स्टार्ट कर सकते हैं. सेकंड इज अपर केस एंड लोअर केसेस आर डिफरेंट. वो तो हमें पता ही है दैट वी हैव स्टडीड आल्सो कि केस इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. इफ आई राइट इन अपर केस एंड इन लोअर केस दीज आर कंसीडर्ड एज टू डिफरेंट थिंग्स. आई विल शो यू हाउ. जस्ट गिव मी वन मिनट. Fine. Okay. We're on where were we? Yeah. Upper cases and lower cases are different. So I'll show you how. Suppose I'm making a variable name with upper case and I'm writing a name here. Okay. So this is a variable name which is in capital letters. Second is name. And now it is considered as I'm taking. ओके तो ये क्या हुआ, दोनों ही अलग कंसिडर होंगे, इन दोनों को हम एक कंसिडर नहीं कर सकते. ओके सेकंड इज द डिजिट्स. 0 to 9 कैन बी अ पार्ट ऑफ आइडेंटिफायर एक्सेप्ट द फर्स्ट कैरेक्टर दैट वी हैव टेकन राइट अवे कि आप इनको 0 to 9 को इंक्लूड कर सकते हो अपने पाइथन में बट नॉट एज अ फर्स्ट कैरेक्टर. फर्स्ट कैरेक्टर अगर आपने लिखा सो इट विल जनरेट एन एरर जो यहाँ पर इसने कर दी. ओके आइडेंटिफायर्स आर अनलिमिटेड इन लेंथ. इट मींस कि हम इसको कितना भी बड़ा बना सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है दैट वी हैव टू मेक इट ऑफ 1 letter, 2 letter और 10 letters और मतलब देयर इज नो लिमिट. नेक्स्ट इज इट मस्ट नॉट बी अ पाइथन कीवर्ड. ये पाइथन कीवर्ड नहीं होना चाहिए. लेट्स से देखो यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं, मैं ले लेती हूँ यहाँ से कंटिन्यू. ठीक है मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ विद द नेम कंटिन्यू. तो लेट्स सी इट विल टेक और नॉट. See, have you noticed something? Iska color automatically change ho gaya. It is in orange color now. Why? Because it is a keyword and keyword jo hote hain wo alag se show karne ke liye usne dikha diya. So if I'm writing a name here, ya main dal deti hu 1 2 3 4 5 6. So what it will do? It will give an error. Okay? Why? Because we are using keyword name as a identifier name. That we cannot do. In simple term. तो अगर मैं इनमें से किसी भी नाम का वेरिएबल बनाऊंगी सब में वो एरर ही देगा. ओके नेक्स्ट इज इट कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर. अंडरस्कोर के अलावा आप इसमें कोई भी अलग कैरेक्टर नहीं इंसर्ट कर सकते हो. इफ आई एम टेकिंग सपोज एबीसी हैशटैग ले लेती हूँ मैं इज इक्वल्स टू 1 2 3 मैंने इसमें स्टोर करा दिया. अगेन इसने क्या दिया एरर. इफ आई एम टेकिंग डॉलर का साइन ले लेता है इस बारी इज इक्वल्स टू अगेन एरर. इट मींस व्हाट, ओनली एंड ओनली वी कैन यूज अंडरस्कोर. हम सिर्फ अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं. अंडरस्कोर क्या होता है, ये रहा यहाँ पर, दिस इज अंडरस्कोर. लाइक आई वांट टू यूज अ वेरिएबल नेम लाइक स्टूडेंट नेम, हम ऐसे भी नहीं कर सकते हैं.
or this is any particular word, and I'm going to press enter it on it. No, because we cannot insert any special character except underscore. क्योंकि ये स्पेस है, दिस इज अ कैरेक्टर एंड वी कैन नॉट इंसर्ट दैट. ओके, अब इसको कैसे सेपरेट करें? आई वांट कि स्टूडेंट में मुझे अलग अलग दिखे, सो दैट इज व्हाई फॉर सेपरेशन और वी कैन से फॉर गिविंग स्पेस वी यूज अंडरस्कोर. ओके, तो हियर इट इज, नाउ इट हैज टेकन. सो लर्न वन थिंग दैट व्हेनेवर यू वांट टू मेक अ वेरिएबल विद मोर देन टू वर्ड्स, एक वर्ड से ज्यादा अगर आपको वेरिएबल बनाना है, सो फॉर गिविंग स्पेस यू कैन यूज अंडरस्कोर, विदाउट अंडरस्कोर इट विल नॉट टेक. फाइन, तो आई एम मूविंग अहेड. आई होप इतना समझ में आया हो सबको. सेकंड, वी हैव लिटरल्स. लिटरल्स और वी कैन से वैल्यूज, ये क्या होती हैं? लिटरल्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज कॉन्स्टेंट. दे आर द डेटा आइटम्स दैट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है. आप देखो जरा यहाँ पे कैसे था, वापस से स्ट्रिंग लिटरल. आप देखो एक सेकेंड रुको, मैं जरा, मैंने लिखा a is equals to 25. Okay, so this is a identifier. ये तो हो गया identifier. Okay, and this is a literal. ये क्या हो गया? Literal हो गया. It means identifier तो होते हैं variable, कि उनकी values मतलब वो fixed नहीं होते. But literals are fixed. अगर मैंने a को 25 assign कर दिया, तो it means it is 25. It is not 26. Common सी बात है. ठीक है. तो लिटरल्स क्या हो गए? लिटरल्स हो गए उनकी वैल्यूज इन दिस प्रोग्राम. जैसे कि हम वन सेकेंड, इन दिस प्रोग्राम वी वर यूजिंग लिटरल्स. कहाँ कहाँ यूज किया? ये फर्स्ट लाइन ए इज इक्वल्स टू प्राची, इसमें ए तो हो गया आइडेंटिफायर एंड लिटरल हो गया प्राची, राइट? हेयर इन दिस इसने एरर दे दी, चलो मैं यहाँ ले लेती हूँ. ओके, तो ए क्यू बी सी एक आइडेंटिफायर हो गया एंड दिस इज अ लिटरल, उसकी वैल्यू. ओके, तो वी हैव सम लिटरल्स लाइक न्यूमेरिक लिटरल्स, बुलियन, स्पेशल लिटरल एंड लिटरल कलेक्शंस. फर्स्ट इज स्ट्रिंग लिटरल. स्ट्रिंग लिटरल हमने देख लिया, जहां पर अगर आपने स्ट्रिंग स्टोर की हुई है तो वो क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग लिटरल हो जाएगा. देन बुलियन एंड ओके न्यूमेरिक और राइट. बुलियन में क्या होता है? बुलियन मींस ओनली टू वैल्यूज, दैट इज यस और नो. हमने पढ़ी भी थी इन चैप्टर नंबर टू, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स. तो दो लिटरल हो गए. एक स्पेशल लिटरल होता है, दैट इज नोन एज नन. हमने दो कीवर्ड में भी देखा था ये नन, दैट वी विल स्टडी कि व्हाट इट इज. एंड लास्ट इज लिटरल कलेक्शंस. ओके, तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस स्ट्रिंग लिटरल्स. आई थिंक थोड़ा स्कोर साइज बड़ा कर सकते हैं हम. ओके, आई थिंक इट इज क्लियरली विजिबल नाउ. सो हियर इट इज. फर्स्ट इज स्ट्रिंग लिटरल. स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है? जब हम कोई भी स्ट्रिंग टाइप करते हैं, आई हैव शोन यू हाउ यू टाइप एनी स्ट्रिंग. देयर आर थ्री वेज. फर्स्ट इज सिंगल कोट, डबल कोट्स एंड ट्रिपल कोट्स. आई विल शो यू हाउ. लाइक मैंने एक वेरिएबल लिया ए इज इक्वल्स टू, आई एम यूजिंग सिंगल कोट्स दिस टाइम. Okay, so what is this? This is a string with single quotes. Second, I have taken a variable and in this I am using double quotes. Double quotes means double inverted comma and single quotes means single inverted comma. Okay.
So here is the single double quotes. We have next we have triple quotes, yani ki single quotes, teen bar, 1, 2, 3. And I'm writing a name here. So these three can be considered as strings. Tino hi string hongi. Single quote bhi, double quote bhi and triple single quotes. Yani ki teen bar single quotes press karo. That is also considered as a string. So what are the types of string? First is single line. Next is multi-line. Ye kya tha? Ye single line tha sara. Ki meri puri string ek hi line mein finish ho gayi. My whole string is finished in a single line. So that is why it is known as a single line string. Okay, I'll show you one thing. Suppose maine ek string liya. And in this I'm writing something. Maine kya kiya? Enter karke main niche aa gayi. To usne kya de diya dekho? Enter error de di mujhe hand to hand. Why? Kyunki agar aap apne string ko two lines mein likhna chahte ho ya more than two lines mein likhna chahte ho, so it will give an error. So there is some rule how you can write this thing also. Single line clear ho gaya hoga. Single lines are the string which are completed in one line only. Jo string ek line mein complete ho jaye usko hum single line bolte hain. Multi line mein kya hota hai? Kya bolte hain? Multi line mein kya hota hai? Jab hum ek se zyada string matlab lines ko usko use karte hain. Like here again I'm taking a variable. A is equals to and suppose मैंने लिखा hello. Now I have to put a symbol that is known as backslash. Symbol ये होता है backslash का. That I'm going to insert backslash and I'm coming up. Our meeting is going to end at A is equals to hello backslash how are you and now I'm going to put close my quotes. ठीक है, इसने ले लिया. When I want to print A, let's मुझे पता करना है कि भाई मेरी ए की वैल्यू क्या है. तो मैंने ए को एज इट इज प्रिंट किया एंड इट इज शोइंग हेलो हाउ आर यू. ओके, सो दिस इज मल्टी लाइन स्ट्रिंग. ठीक है, अब क्या होता है अगर हम ऐड करते हैं बैक स्लैश एट द एंड ऑफ आवर स्ट्रिंग. सेकंड वे इज इफ वी आर यूजिंग ट्रिपल कोट्स. अगर हम ट्रिपल कोट्स का यूज कर रहे हैं लाइक इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ फटाफट से. अब है व्हाई आर यू सो लेट, ये टाइम था आने का. ओके, और अगर हम बैकस्लैश नहीं दे रहे हैं यहाँ पर तो इट विल नॉट गिव एन एरर. ठीक है, मैं ए प्रिंट करा रही हूँ, उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया. ठीक है, इट मींस व्हाट इफ वी आर यूजिंग ट्रिपल कोट्स. अगर हम ट्रिपल कोट्स का यूज कर रहे हैं देन देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग ब्रैक स्लैश आल्सो. सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स में बैक स्लैश लिखना कंपलसरी है, तभी वो मल्टी लाइन्स में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा. बट ट्रिपल कोट्स में इट इज नॉट कंपल्सरी. ओके, एंड any problem till here so you can ask right away. main backslash ki kya keyword wo shortcut ki hai. acha ye na uske upar hai enter ke upar wala. acha acha sahi hai na. okay, so here it is. next we have numeric literals. abhi tak to humne string literals padhe the, ab numeric literals ho gaye. so numeric literals hum log ke paas teen hote hain basically. first int, complex and float. 8 minutes are still pending. My attendance is zero.
So int means positive and negative whole numbers. If we come talking about the math point of view, so all the whole numbers which are positive as well as negative are integers. Next is floating numbers. Floating numbers means real numbers or we can say decimal numbers. Point वाले जो numbers होते हैं, वो सारे floating numbers होते हैं. Then we have complex. आपने देखो maths में पढ़ा भी होगा. I don't मतलब या तो 11th में है chapter या 12th में है. I'm not sure about it. Complex numbers in which you have the form a plus bj. हमने पढ़ा हुआ x plus b x plus y i. In this a and b are the floats. A और b जो होते हैं वो floating number होते हैं और जो j की value होती है वो होती है minus one, है ना? And the j represent minus one root, which is an imaginary number. So these are the three types of literals we are having. Next is boolean literals. Boolean literals में क्या होता है? It is used to represent one of the two boolean values, that is either true या फिर false. True या फिर false वो बताता है. Next we were talking about special literal, that is known as none. None क्या होता है? It indicates the absence of value. Also used to indicate the end of list in Python. जब हम Python पढ़ेंगे, sorry list पढ़ेंगे Python में, that you will know कि कैसे end of list होता है. Name none means there is no useful information and or there is nothing here. Suppose मैंने एक variable बना दिया. A is equals to none. ठीक है. अब इसमें क्या है? एक वेरिएबल तो बना दिया, मेमोरी भी एलोकेट हो गई, क्योंकि जैसे ही मैंने वेरिएबल बनाया तो एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, वो मेमोरी भी एलोकेट हो गई. बट आई एम नॉट गिविंग एनी वैल्यू टू दिस वेरिएबल. जब मेरा मन करेगा इन बिटवीन द प्रोग्राम आई कैन गिव द वैल्यू. अभी इट इज कम्प्लीटली एम्प्टी. लाइक मेमोरी कैसे होती है, ब्लॉक्स में मेमोरी मिलती है, तो ब्लॉक तो बन गया ये नाम का, बट वहां पर देर इज नथिंग, इट इज एम्प्टी. So that is why we are here writing none. Whenever in a program I want to use it, I can use it with the name variable. मुझे हर बार उसको initialize नहीं करना पड़ेगा. Although this is pretty useless, I can say, because in Python क्या होता है, हमको variable assign करने में time नहीं लगता. हम कहीं पर भी variable assign कर सकते हैं. लेकिन अगर हम Java की या फिर C++ की बात करें तो वहां पर वेरिएबल हमें टॉप पे ही असाइन करना होता है और टाइप देना पड़ता है. लाइक मुझे इंट देना है, इंट ए इज इक्वल्स टू 25. ये हम C++ से जावा में करते थे. मुझे पता है कि भाई ए की वैल्यू 25 है, तो मुझे बतानी पड़ेगी वो कौन सी वैल्यू है, क्योंकि ये होल नंबर है. दैट इज व्हाई आई हैव टू राइट हियर इंट. एक ए वेरिएबल बन गया इंट टाइप का, जिसमें सारे इंटीजर्स वैल्यू ही स्टोर होगी. यहाँ पर तो वो एरर दे देगा. Because in Python we do not need to define that it is int or string or float or complex number, nothing. यहाँ पर हम direct नाम लेते हैं variable का और उसमें value डाल देते हैं, irrespective कि वो किस type की value को hold करेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है. मतलब हमने जो value दे दी उसने वो उसको store कर ली. ठीक है, तो none समझ गए. None means whenever you want to make a variable but do not give any value, कोई value नहीं देनी है, you want to give it afterwards, तो हम एक none के through हम एक variable assign कर देते हैं, memory allocation भी हो जाता है, and in a program, in between the program, we can access that variable anywhere. Okay. Next we have operators. I think time is about to over and operators topic is quite a bit lengthy. So we will discuss this topic tomorrow. Okay. And I think थोड़ा सा ये chapter रह गया है ये. Yeah. So tomorrow we are going to study operators topic. And just a second, मैं इसको recording करता हूँ.